दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही खास है जिनके नाम का पहला अक्षर एस या फिर आर से शुरू होता है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे के प्रति कैसी रहती है। और वीडियो देखने बाद आखिर में आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। तो आइए फिर चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एस और आर अक्षरों के बारे में क्या कहा था, और अगर नहीं याद है तो पहले आप एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस अक्षर से शुरू होने वाले ज्यादातर लोग प्यार के मामले में काफी गंभीर रहते हैं। जब अपने प्यार की शुरुआत बहुत ही धीमी गति से करते हैं क्योंकि इस मामले में काफी संकोची होते हैं और अपने प्यार का इजहार सामने वाले से जल्दी नहीं कर पाते। और फिर वो चाहे इस अक्षर के लड़के हों या लड़की, ये काफी समय तक तो इसी इंतजार में निकाल देते हैं कि सामने वाला ही इसकी पहल पहले करे। और इसी कशमकश के चलते कई बार तो इनको काफी देर भी हो जाती है और इनका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अगर इनको सामने वाले से प्यार मिल गया तो ये अपने उस रिश्ते में ऐसे डूब जाएंगे कि जैसे कि अब इस दुनिया में उनके सिवा कुछ और हो ही ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहेंगे कि ये लोग अपने रिश्ते में अपने पार्टनर का साथ बहुत ही सच्चे दिल से देते हैं और साथ ही अपने प्यार को मंजिल तक पहुँचाने के लिए हर वो संभव कोशिश करते रहते हैं जो इन्हें सही लगता है। और अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके प्यार के बारे में। तो यहाँ पर आप ये जान लें कि इनको भी प्यार में कोई खास बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जिनको भी एक बार चाहते हैं तो समझ लीजिए वे इनके लिए बहुत ही खास होते हैं और प्यार का जल्दी मजाक ये नहीं बनाते हैं। क्योंकि जिनको भी ये सच्चे दिल से चाहते हैं तो उनकी कुछ बुराइयों को भी ये नज़रअंदाज करना पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि मन से काफ़ी सुलझे होने के कारण प्यार के मामले में सामने वाले के साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग रखते हैं। तो दोस्तों, सुना आपने, जैसा कि आपने देखा होगा कि एस अक्षर वाले प्यार के मामले में काफ़ी गंभीर रहते हैं और वहीं आर अक्षर वालों के साथ तो ज़्यादातर ये है कि इनको प्यार में कोई खास ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने ज़्यादातर बोला है, मतलब ये सभी पर लागू नहीं होता है। और कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आर अक्षर वाले प्यार हो या कोई और बात, ये अपने पार्टनर साथ काफ़ी तालमेल बैठा कर चलते हैं। और वहीं एस वालों के साथ तो ये है कि ये जना प्यार में पड़ने के बाद इनको प्यार के सिवा और कुछ दुनिया में नज़र ही नहीं आता। मतलब हर समय अपने पार्टनर को याद करना, उसी ख्यालों में हमेशा खोए रहना। और अब सुन लीजिए एक बहुत ही खास बात, और वो ये है कि यही आदत आर अक्षर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का कारण भी मैं आपको जरूर बता देता हूँ। और वो ये है कि इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि हर वक्त अपने पार्टनर साथ छोटी छोटी बातों पर दिन भर चर्चा करते रहें। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये अपने काम के प्रति काफी ईमानदार होने की वजह से हर वक्त ये अपने प्यार के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहेंगे कि इस मामले में आर अक्षर वाले अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती के साथ हैंडल कर लेते हैं। और यही बात एस वालों को थोड़ा सा पसंद नहीं आती क्योंकि इनको तो अपने मनपसंद फोन के द्वारा दिन में 10 बार खबर चाहिए ही चाहिए होती है। तो दोस्तों, दोनों को ही अगर आप गहराई समझने की कोशिश करेंगे तो आखिर में आपको ये मिलेगा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। मतलब कि एक जहाँ पर डायरेक्ट दिल से काम लेता है और वहीं दूसरी तरफ सामने वाला सभी चीजों पर तालमेल बैठा कर चलना चाहता है। तो इससे ये आखिर में साफ होता है कि भले इन दोनों की छोटी छोटी बातों पर इनकी लाइफ में छोटी मोटी खटपट होती रहे, लेकिन आखिर में दोनों ही एक दूसरे का साथ जल्दी नहीं छोड़ते।